नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है मनोरान्या डॉट कॉम। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि फ्री टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो आपसे छूटे ना और आप भी एक अच्छे एडवांस लेवल के टेक्निकल एनालिस्ट बन सके और इंटरनेट ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा कर अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सके और इनकम कर सके। दोस्तों, रोज़ की तरह हम आज भी सीधा चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर, जिसमें हम देखते हैं आज के जो ट्रेडिंग में जो मूव आया उसका कारण क्या था, कल के लिए हमें कहाँ पर बाइज या सेल करना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए और बैंक निफ्टी में जो बड़े स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है उनमें किस तरह की पोजीशन बनी है। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल आपने देखा होगा मेरा कल की वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि डोजी कैंडल बना है। ठीक है, डोजी कैंडल का मतलब ही ये होता है दोस्तों कि इस कैंडल में कहीं भी मूवमेंट वन वे नहीं गया, मतलब कि ना तो बायर के पक्ष में गया है ना ही सेलर के पक्ष में गया है, यानी कि जो ओपनिंग थी सेम वहीं पर क्लोज हुआ है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कैंडलस्टिक एनालिसिस सीखना है हिंदी या अंग्रेजी में तो हमारी वेबसाइट है www.manoharanjana.com। आप वहां चले जाइए, वहां पर प्रिंटेड नोट्स हैं कैंडलस्टिक के, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो बहुत ही रिजनेबल रेट में है। तो दोस्तों, सारी जानकारी वहाँ पर वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये मैंने आपको लिए जो बताया है, लोग कहते हैं डोजी जो होता है वर्क नहीं करता है, हमारा लॉस बुक करवा देता है, प्रॉफिट नहीं होने देता। देखिए दोस्तों, आज आपके सामने है डोजी जो कैंडल बना है, एकदम बहुत प्यारा पैटर्न बना है और एकदम टेक्स्ट बुक पैटर्न बना है कैंडल का। ठीक है, नहीं तो कई बार होता है क्या दोस्तों, कैंडल कुछ इस तरह के बनते हैं, इस तरह के बनते हैं, उसके साथ हमें कन्फर्मेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं जो मैं अपनी ट्रेडिंग सेशन में अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, एक टेक्स्ट बुक पैटर्न बनाया था यहाँ डोजी। ठीक है, तो हमें ये तो पता था दोस्तों कि कहीं भी मूव आएगा वन वे मूव आएगा, कोई चौपीनेस उसमें दिखाई नहीं देगी। तो आपके सामने दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, बाजार ऊपर ओपन हुआ। ठीक है, ओपन हुआ दोस्तों कहाँ पर, आप देख लीजिए यहाँ पर जो कैंडल है और यहाँ पर इसकी ओपनिंग प्राइस आपको दिखेगी। ओपन हुआ दोस्तों 31,386 रुपये, हाई लगाया है 31,412, यानी कि दोस्तों मोटा मोटी करें 30 पॉइंट ऊपर गया इसकी ओपनिंग में। तो दोस्तों, आपको पता है बैंक निफ्टी 30-40 पॉइंट को कुछ भी नहीं समझता है। ठीक है, और बस उसी के हाई पे से जो गिरावट स्टार्ट हुई दोस्तों, तो जो लो लगा है वो लगा है 31,126 का और 160 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों, अच्छा खासा दिन रहा, यदि आप डे हाई को स्टॉप लॉस बनाकर भी अगर ट्रेड लेते तो अच्छा खासा प्रॉफिट में रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मेरे वीडियो देखकर प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो इस खुशी में आपको वीडियो को लाइक करना बनता है और चैनल को यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। दोस्तों, हम देख लेते हैं, मैंने कल भी इस लाइन को ड्रा किया था मेरे पिछले वीडियो में, मैं रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप डेली चार्ट पे भी इस तरह की एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे दोस्तों, तो आपको चीज़ें समझ में आएगा कि जो वो ट्रेड जो चल रहा था, एक तरफ वन वे जो ट्रेंड था अपसाइड का, वो कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर आके दोस्तों कंसोलिडेट होने लगा। मैं थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि आपको रेंज पता चल जाए कि रेंज कैसे पकड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल है ये 26 नवंबर की है और ये जो कैंडल है ये 5 दिसंबर की, यानी कि मोटा मोटा 10 से 12 दिन, हालांकि सेशन उसमें कम ही हुए क्योंकि 1 से 2 छुट्टी आ जाती है, तो मोटा मोटी हम काउंट कर लेते हैं 3, 3, 6 और 9, टोटल 9 सेशन ऐसे रहे दोस्तों जो एक ही रेंज में थे। ऊपर की रेंज जो थी दोस्तों वो करीबन थी 32,188 की और लोअर रेंज थी दोस्तों 31,400 की, यानी कि उस रेंज में ही दोस्तों इसने काम किया। अब इस रेंज में दोस्तों काम करने के पीछे देखिए दोस्तों वोलाटाइल कितना है, यहाँ पर एक दिन हाई लगाया है, फिर नीचे डाउन साइड आया है, फिर डाउन डाउन, और दोस्तों 3 से 3 दिन की मंदी जो थी एक दिन में इसने खा गया। ठीक है, तो मान लीजिए इस कैंडल को देख के किसी ने तेज़ी कर ली होगी तो अगले दिन उसकी तेज़ी और सारे स्टॉप लॉस हिट होकर उसने अच्छा खासा लॉस बुक कर लिया होगा। तो दोस्तों, सीखना ज़रूरी है। ठीक है, आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रोज़ सीखिए, आप मेरे वीडियो देखिए, मैं आपको एकदम अच्छा सा कैंडलस्टिक का भी प्रो बना के छोड़ूंगा। दोस्तों, अब इस कैंडल को आपने समझ लिया होगा, डार्क क्लाउड कलर कवर जो होता है वो कैंडल बन गया था, ये इसने इसकी आधी से ज़्यादा या लगभग लगभग आधी तेज़ी खा ली थी। अगले दिन आपको देखना क्या था कि लगभग लगभग इसके आधे के ऊपर या वहाँ पर खुलती तो आपको क्या करना है, जहाँ पर ओपन हुई है उससे 5 से 25 पॉइंट के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है और छोड़ देना उसको 3:20, 3:25, जब भी आपका ब्रोकर आपको इसके और आपका जो टाइमिंग दे रखा है तब तक के लिए। ठीक है, तो आपने अगर उस दिन ये अप्लाई करा होगा मेथड तो आपको 300-350 पॉइंट आसानी से मिल गए होंगे। यहाँ पर इस तरह की जो दोस्तों अभी हुआ क्या कि यहाँ पर रेंज टूटा है। अब रेंज टूटने के बाद आपको एक चीज़ कन्फर्म बता देता हूँ मैं, कहीं भी चीज़ें ऐसा नहीं रेंज तोड़ के डायरेक्ट यहाँ नीचे आ जाएगा और 30,000 का लेवल दिखा देगा। अब रेंज टूटा दोस्तों, रीटेस्ट करने गया, फिर वहाँ से उसको सेलिंग प्रेशर आया, फिर वापस आज रीटेस्ट करने गया, फिर सेलिंग प्रेशर आया, अब फाइनली दोस्तों 31,200 के नीचे की इसको क्लोजिंग मिल गई है। अब इम्पोर्टेंट जो लेवल रहेगा दोस्तों इसको देखने के लिए, वो इसको जो बचा सकता है वो लेवल दोस्तों ये वाला है।
अगर 31,085 के नीचे अगर दोस्तों आकर काम काज करने लग जाएगा तो अगला टारगेट हमारा रहेगा दोस्तों 30,500 का। ठीक है दोस्तों, यानी कि 500 पॉइंट की रेंज हमारे लिए खुल जाएगी। अब हम इसमें देख लेते हैं दोस्तों हमें एंट्री कहाँ लेनी है। तो दोस्तों कल के लिए हमें एंट्री कहाँ लेनी है, अगर 31,080 के आसपास आता है और वहाँ पर अच्छा बेस बना लेता है, यानी 5 से 10 मिनट उसी रेंज में रहकर ट्रेड करने लग जाता है, आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाई करके चल सकते हैं आप। ठीक है, और अगर इसके नीचे आता है और 5 से 10 मिनट नीचे रह जाता है दोस्तों, तो आप इसमें सेल पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक दोस्तों मैंने इसमें ऑलरेडी आपको समझाने के लिए बता दिया है, 2 बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका है, ये 3री बार भी यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अगर 710 के लेवल को तोड़ देता है दोस्तों, वापस ये 650 के आसपास चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बैंक ऑफ बड़ौदा, ये PSU है, इसमें भी लगातार सेलिंग देख रहे हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों एक आज के हॉट टॉपिक की। हॉट टॉपिक दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जो डील होने वाली थी राणा कपूर के डायमंड खरीदने वाले जो विदेशी व्यक्ति आ रहे थे, उन्होंने तो डील कैंसिल नहीं की, लेकिन कल शाम को बाजार बंद होने के बाद हमको ये खबर मिली है, आपको भी मिल गई होगी कि यस बैंक ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, या यस बैंक सोच रहा है कि इस डील को रिजेक्ट कर दिया जाए। कारण मुझे भी नहीं पता है, आपको पता चले नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, और उसी का रिएक्शन आप आज स्टॉक की प्राइस पर देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हालांकि सबसे अच्छी बात ये रही दोस्तों, 50 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन अगर 50 के लेवल के नीचे चले जाएगा दोस्तों जिस दिन क्लोजिंग दे के, साइकोलॉजिकल लेवल लोगों का बिगड़ जाएगा और वापस हमें 30 से 40 तक के लेवल इसमें दिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं RBL बैंक की, जो कि 4% डाउन है। देखिए दोस्तों, वन वे गैप डाउन हो रहा है, पिछली जो कहानी थी वही यहाँ पर दोहराने की इच्छा है इसकी। अब यहाँ पर दोस्तों एक आपको बता देता हूँ, आप सिंपली भी टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं या आसानी से ऐसी लाइन ड्रॉ करना सीख जाते हैं, तो आपको हैवी लॉस होना बंद हो जाएगा। ट्रेंड चला आ रहा था, ट्रेंड ने यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट लिया, फिर चला और यहाँ पर सपोर्ट ले ही नहीं पाया। ठीक है, यानी कि आपको 3 दिन पहले ही पता चल गया था कि आप सपोर्ट नहीं ले पा रहा है, और इस लाइन के लगभग नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया और लाइन के नीचे ही इसने अगले दिन की ओपनिंग दी, और जो हाई बनाया आप वहाँ से भी अगर उसके स्टॉप लॉस को या उसके डे हाई को स्टॉप लॉस बनाकर भी सेल करते तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता था। दोस्तों ये गिरावट है, ये गिरावट यानी कि आप देखिए दोस्तों 366 रुपये से 350 से 60 रुपये आपको मिल रहे हैं 2 से 3 सेशन में, और गिरावट अब भी जारी है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टॉक्स जो भी मैंने बताए हैं दोस्तों, ये मेरे कोई निजी निवेश नहीं है इनमें, और साथ ही कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग आइडिया नहीं है। आप कोई भी ट्रेडिंग लें या कोई भी आप बाय सेल करें तो उसके पहले आप खुद से रिसर्च जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।